लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। छत्तीसगढ़ में नहीं रुक रहा है निजी अस्पतालों में पैसों के लिए गरीबों की लाश रोकने का सिलसिला। यही मामला अभनपुर में संचालित निजी हॉस्पिटल सोनी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का है, जहां से आधी रात को हुई मौत के बाद समीप आमनेर गांव के अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने को मजबूर 45 वर्षीय किसान रामाधार बंजारे का शव देने को अस्पताल प्रबंधन ने मना कर दिया। साथ ही अस्पताल प्रबंधन द्वारा पीड़ित परिवार से पैसा जमा कराता रहा। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि दो दिन पूर्व पेट में दर्द होने पर रामाधार बंजारे 45 वर्षीय को अभनपुर के सोनी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साथ ही अस्पताल प्रबंधन द्वारा बारी बारी इलाज पर रुपए की मांग करता रहा और साथ ही मृतक का स्वास्थ्य कुछ सुधार होने पर दूसरे डॉक्टर से दवाई लेने की बात कहते हुए मृतक की पत्नी अमरौतिन बंजारे सो गई। वहीं कुछ देर बाद रामाधर बंजारे को मृत बताया गया। अचानक स्वास्थ्य में सुधार होते ही मृत का खबर पाकर परिजन सदमे में आ गई और जब शव को वापस घर लेने की बात आई तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा 18,000 रुपए जमा कर शव ले जाने के लिए कहा गया। इस पर गरीब परिवार और साथ ही परिवार के मुखिया की मौत पर अत्यंत दुखी मृतक की पत्नी अमरौतिन बंजारे पर पति की अचानक मौत पर एक और पहाड़ गिर आया तो दूसरी और 18,000 रुपए जमा करने और बिना रुपए जमा किए शव को परिजन को नहीं सौंपने से और परेशानी बढ़ गई। फिर परिवार वालों द्वारा चंदा कर 2,000 रुपए इकट्ठा कर जमा किया गया तो वहीं बाकी रुपए जमा करने के लिए पीड़ित परिवार से अस्पताल प्रबंधन द्वारा कागज में हस्ताक्षर कर बारी बारी जमा करने का आश्वासन लिया गया, तब जाकर ही शव को पीड़ित परिवार को सौंपा गया। क्लिपर 28 के लिए अभनपुर से दीपक वर्मा की रिपोर्ट। ओला ले गई हम पेट के दर्द से तो ओला ले गई हम भर्ती करी हम सोनी में हॉस्पिटल में तो इलाज चालू करी से बने से बोली से दस पहले तो 2700 जमा कराई से उसके बाद 1050 जमा कराया उसके बाद मेरे से फिर 6000 जमा कराए और दवाई गोली तो ले जा रही थी अलग है उतना जमा की उसके बाद वो ठीक हो गए थे दवाई गोली चलने से। उसके बाद वो पानी गिर रही थी उस दिन मैं ऊपर में सोई करके उस दिन वो एकदम बढ़िया थे। उससे बात चीत भी एकदम मस्त की एकदम सहज आदमी टाइप में बात भी किया। उसने बोला भी कि मेरे को छुट्टी करा के कर ले जाना और कुकरेजर के पाँच सम सूझ कौन पैसे सिलवाएगा 500 में हो जाएगा तो ऐसे करके और मैं सोने उसके बाद अच्छा थी ठीक थी। मैं गार्ड को बोलकर सोने चली गई कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा भैया तो मुझे ऊपर में से आवाज़ बुला लेना करके। उसके बाद उन लोग उसके बाद उसको क्या किया मेरे को बुलाए ही नहीं है और वो बोल रहे हैं कि मैं इतना इतना दवाई ववाई लगाया हूँ उसका पैसा पटाओ करके। सुनने में आया कि आप लोग जब 100 मृत्यु हुआ उसके बाद 100 लाने के लिए पैसा मांगा क्या है? हाँ मृत्यु हुए एक बाद भी बोले कि पैसा दो तब दे ले जाना है करके 18,000। तो फिर आप किसे व्यवस्था करो फिर पैसा कितना समय बाद आप लोग दीजिए पैसा ये लोग उन्हें कुछ भी नहीं किया सर अमरौतिन। ये अभनपुर से पास में सोनी हॉस्पिटल है वहाँ मेरे चाचा भर्ती थे और 23 को भर्ती हुए 24 को रात को चाची बुलाए मेरे को। वहाँ जाने के बाद पता चला कि ख़त्म हो चुके थे चाचा जो है। उसके बाद मैं बोला अब ले जाएंगे तो डेड बॉडी ले जाने के लिए बचत पैसा 18,000 बताया 10,000 पटाए थे चाची जो है उसके बाद 18,000 इनका और बकाया बोले। तो मैं बोला सर गरीब आदमी हैं नहीं कहाँ से 18,000 पटा पाएंगे कल ही 10,000 लाए थे जुगाड़ करके वो भी उसके बाद 18,000 का और बिल बता रहे हो से करके। फिर वो 12:30 का घटना है सर जब रात को उसके बाद सुबह 11:30 डेड बॉडी को 2,000 चंदा करके दिए और उसके बाद 18 को धीरे धीरे करके पटाना बोले और ज़बरदस्ती 100 प्रशिक्षण पोस्टमार्टम कराएंगे कि नहीं कराएंगे तो हम लोग नहीं बोले कि नहीं कराएंगे ऐसे करके उसमें दस्तखत कराएं और किस्ती में पैसा देना है ऐसे करके उसमें भी साइन करवाएं 18,000 धीरे धीरे पटाना ऐसे करके। मोर नाम जीवन लाल बन जा रहे हैं सर। फॉर मोर न्यूज़ अपडेट्स डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।